अरे ये बंद कैसे हो गई? पता नहीं, अच्छी खासी चल रही थी, क्या हुआ? देखता हूँ। मोमिन, हम गाड़ी कब लेंगे? अभी गाड़ी कहाँ से आ गई बीच में? 3 साल हो गए हमारी शादी को। मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि हम गाड़ी लें। हम कब तक इस खटारा पे घूमते रहेंगे? अरे खटारा नहीं कहो इसको, एक बार बंद हो गई तो क्या। और वैसे भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत ये तुम्हारी गोद में है। तुम्हारी फटपटी स्टार्ट हो गई। अब देखो कैसे खट से स्टार्ट होता है एक खटारा। शुक्रिया। मैं सोच रहा था वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता। मानो जैसे पर लगा के उड़ा। अब देखो हमारी शादी को 3 साल हो गए, पता ही नहीं चला। खैर, हैप्पी एनिवर्सरी। ये मैं मार्डी लाए। चौंक गई ना? मैं जानता था तुम चौंक जाओगी। अरे 22 कैरेट वाला गोल्ड है, तुम भी सोचोगी किस रेंज से पाला पड़ा था। अच्छी लगी ना? सबा सबा। हाँ? अच्छी लगी कि नहीं पूछ रहा हूं। बहुत अच्छा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है। चाय पिए? पक्का ठीक है ना? हाँ। जी हाँ हाँ। लेकिन कीश्वर आप ये तो बताएं कि आप आ कब रही हैं? 1 हफ्ते के बाद? नहीं नहीं मुझे बिल्कुल इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। सबा, सब ठीक तो है? किसका फोन था और परेशान क्यों हो तुम? कुछ नहीं, कीश्वर आप आ रही हैं। अरे तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम परेशान हो रही हो क्यों? ऐसे शुरू हो गई। सबा, अरे काले मोजे दे दो मेरे, देर हो जाएगी मुझे। ये रहे आपके सॉक्स, ढूंढेंगे तो मिलेंगे ना? अरे ढूंढे थे ना, नहीं मिले। तुम्हें क्या हुआ, चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कीश्वर आपा आ रही है। पता है कल रात से तुमने यही रट लगाई हुई है। अरे कीश्वर आपा आ रही है यार, इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? ऐसा थोड़ी है कि सुनामी आ रहा है जो शहर को भागकर ले जाएगा। कुछ जाए ना जाए मेरी इज्जत जरूर चली जाएगी, वो भी उनके अमीर कभी शोहर के सामने। क्यों, तुमने बरसों पहले उनकी कोई भैंस चुराई थी जो आकर तुमसे बरामद कर लेंगी? कीश्वर आपा बीबीसी है और आपको पता है उनका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं उनके सामने शो ऑफ करने के लिए। तो क्या वो? तो मोमिन आप समझने की कोशिश करें,
शादी से पहले मैंने अपनी सारी कजिन्स को ये बताया था कि मेरा होने वाला शौहर इंजीनियर है। अब इंजीनियर का घर ऐसा तो नहीं होता ना? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ नहीं, सुपरवाइजर हूँ। लेकिन मेरे खानदान में तो सब यही जानते हैं कि आप इंजीनियर हैं, अब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सबा, तुम्हें जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? जानती हूँ ना, झूठ के पैर नहीं होते, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। अरे अरे अरे, मैं आपकी इज्जत बनाने की कोशिश कर रही थी, उल्टा आप मुझे सुना रहे हैं। वाह भाई, एक मिनट, ये तुमने कोई मेरे लिए नहीं किया, ये तुमने अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए किया है। खुद वहां पर बोलना है ना कि हस्बैंड तो मेरा इंजीनियर है, क्या मेरा घर है, वाजी वाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बात ना सबा, हमेशा याद रख, जो लोग इंसान को इंसानियत देकर नहीं बल्कि उसका रुतबा या दौलत देखकर चुनते हैं ना, वो ना तो दोस्ती के काबिल होते हैं ना ही रिश्तेदारी के। चलता। अरे मोमिन रुके तो, मोमिन नाश्ता तो करके जाए। सुबह ये हो गए दोनों बिलों के पैसे, मुबीन के दूध के अलग से पैसे, और ये तुम्हारा जो महीने का खर्चा है वो। मोमिन, ये बहुत कम है। कम है? तुमने गौर से गिना नहीं, जितने मैं देता हूँ उससे 10,000 रुपए ज्यादा हैं। हाँ लेकिन इस महीने मेहमान भी तो आ रहे हैं। कौन सा कोई फौज आ रही है तुम्हारे घर से? 2 लोग आ रहे हैं यार, कितना खा लेंगे? फिर भी मैंने तुम्हें 10,000 दिए हैं अयाशी कराना उन्हें। वो बहुत बड़े लोग हैं, आपके इन 10,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। अच्छा तो क्या करूं मैं, जायदादें तो कोई है नहीं मेरे पास जो उनके नाम लगा दूं। तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, या 10,000 की जगह 10 करोड़ का चेक काट के दे दूं आपको कि 2 लोग आ रहे हैं आपके खानदान से? कमाल है यार। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं बस ये कह रही हूँ कि जो पैसे जेब में रखे हैं वो दे दें। कैसी खतरनाक नजरें हैं तुम्हारी, 4 पैसे बचाता हूँ हर महीने में कि कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई ना, सेफ मनी है ये मेरी, ये नहीं दूंगा मैं। 3 साल हो गए हमारी शादी को मोमिन, कभी हमें सेफ मनी की जरूरत पड़ी नहीं है। अगर 3 साल अल्लाह ताला ने कोई इमरजेंसी में नहीं डाला हमें तो इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हें नफल अदा करने चाहिए। तुम होके कंप्लेन कर रही हो, तुम तो जब देखो तो ना शुक्रपन दिखाती रहती हो। मोमिन मेरी बात सुने, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, जब मैं रोज उनको 2 से 3 डिशेस खिलाऊंगी, होम डिलीवरी करवाऊंगी, तो सोचे मेरी इज्जत में कितना इजाफा हो जाएगा, पूरे खानदान में ढिंढोरा पीटेंगी वो। झूठ का ढिंढोरा पीटेंगी वो, और उसका मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हारे ये झूठे दिखावों की आदत कब जाएगी? कमाल करती हो यार तुम। देखो मैं शरीफ सा बंदा हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ मैं, और वैसे भी हम गरीब लोग जो नौकरी पेशा होते हैं ना, इनको बारिश आने से पहले अपनी छत का इंतजाम करना पड़ता है। कमाल कर रही हो, पर इस बार ना तुम्हारे बहन भाई को आने दो, बता दूंगा मैं उन्हें तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ, छोटा मोटा सा सुपरवाइजर हूँ मैं, 4 पैसे कमाता हूँ, रिश्तेदारी रखनी है रखें, नहीं रखनी तो अल्लाह हाफिज़। मोमिन, खबरदार जो आपने उनको बताया तो, आपको मेरे सर की कसम। ये दिखावे की आदत ना एक दिन किसी बड़ी मुसीबत में डालेगी, पता है मुझे। अरे कीश्वर आपा, कैसी तकलीफ? आपको पता है मोमिन भी कह रहे थे कि अगर कीश्वर आपा लोग 10 दिन रुकते तो हम उनको पूरा प्रोविंस घुमाने लेकर चलते, सिंध बहुत खूबसूरत है। किस बात की तकलीफ? आपको पता तो है इंजीनियर साहब यहाँ पे ऑर्डर देते हैं और यहाँ पर काम हो जाता है। ओके, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। क्यों इतना झूठ बोलती हो के थक जाओ? अपनी इज्जत बनाने के लिए कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन ये बात आप कहां समझेंगे? जी फहीम भाई। जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है, आप बताएं। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं अब से रेंट आपको कैश में नहीं दूंगा, मैं बैंक में जमा करवा दूंगा।
अरे नहीं नहीं तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। अरे आपने कह दिया ना, पर समझिए हो गया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। फहीम भाई से बात की घर को पेंट करवाने की? अरे पहले ही परेशान लग रहे थे वो, ये कोई मौका नहीं था ऐसी बात करने का। अरे यही तो मौका है, मेहमान आ रहे हैं वो भी दुबई से। अब इस घर को खींच कर हम बड़ा तो कर नहीं सकते, तो पेंट करवा के चमका तो सकते हैं। अरे कमाल करती हो तुम, 6 महीने पहले इतना चकाचक पेंट करवाया, पूरे घर में कोई दीवार नहीं है जिसपे कोई दो निशान भी हो। जी नहीं, आज के जमाने में 3 दीवारों पे हल्का रंग और 1 पे गहरा रंग, मैंने YouTube पे देखा है। अब बड़े बड़े बंगलों में तो ऐसा ही होता है ना? बड़े बंगलों में होता होगा, पर ये बड़ा बंगला नहीं है। दुबई में जो सर्विंग क्वार्टर होता है ना, वो इससे भी ज्यादा अच्छा है, आपको कुछ नहीं पता। तो आप दुबई चले जाओ, वहां रह लो। पता है आप में बहुत अकल है, पता है मुझे, पर आपको भी पता होना चाहिए कि उतने पैसे नहीं है मेरे पास, कोई कलर वलर नहीं होगा। दुबई चली जाऊं मैं? चलो भाई किसी बहाने सही, तुमने मेरे घर का चक्कर तो लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सबा ये बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ना आपके घर में जो इंग्लैंड वाला डिनर सेट है ना, वो मुझे चाहिए। अच्छा, असल में मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, बहन और बहनोई, वो भी दुबई से। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र ही नहीं करो, जो जो तुम्हें चाहिए मुझे सब कुछ बता दो, मैं थोड़ी देर में अपने काम वाले के यहाँ तुम्हारे घर भिजवा दूँगी। अरे नहीं नहीं बाजी, बहुत शुक्रिया। अरे सबा शुक्रिया किस बात का, पड़ोसियों के कुक मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन याद से भिजवा दीजिएगा बाजी। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं सब भिजवाती हूँ। अच्छा सबा एक बात करनी थी, जैसे ही तुम्हारे मेहमान चले जाए ना, मुझे ये सामान वापस भिजवा देना। वो एक्चुअली अगले हफ्ते मेरी कुछ नंदे आ रही हैं, ज़ाहिर है मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना। हाँ हाँ फिक्र नहीं करें, मैं वापस भिजवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो कहेगी इसका बसले तो सारा सामान उठा के ले जाए मेरे घर का, अब इतना महंगा डिनर सेट मांग रही है। हाय अल्लाह, कोई प्लेट वगैरह टूट गई तो मैं क्या करूंगी, इतना महंगा डिनर सेट है मेरा। तुम क्या पागल हो गई हो? अगर आप इज्जत बनाने को पागल कहते हैं तो हाँ मैं पागल हूँ। ये कोई इज्जत बन नहीं रही तुम्हारी, बस दिखावा है तुम्हारा। चलें जो भी है, अब तो हो गया ना, अब सिर्फ एक कसर बाकी रह गई है। मैं ये कह रही थी कि अगर आप अपने दोस्त से गाड़ी मांग लें। क्या? आपको मेरी कसम प्लीज। तुम ना वाकई पागल हो गई हो, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। अरे भाई मैं क्यों मांगू किसी से गाड़ी, और कोई देगा क्यों मुझे अपनी गाड़ी? अरे कोई गाड़ी नहीं देता तो ना सही, आजकल तो गाड़ियां रेंट पर भी मिल जाती हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप एक न्यू मॉडल लश पश गाड़ी किराए पे उठा लें। तो तुम्हारी ये न्यू मॉडल लश पश गाड़ी का जो लश पश रेंट आएगा वो कौन देगा? अरे मैंने अपनी दोस्त से उधार लिए हैं, रेंट मैं दे दूंगी, सिर्फ 2 दिन रहते हैं किश्वर आपा के वापस जाने में। प्लीज आपको अंदाजा नहीं है, जब वो यहाँ से जाएंगी ना, पूरे खानदान में ऊंची ऊंची बातें करेंगी हमारे बारे में, कितनी इज्जत बढ़ेगी हमारी। सब आप बहुत गलत कर रही हो तुम। हाँ तो कोई बात नहीं, गलत भी कभी कभार सही हो जाता है। मत मारी गई है तुम्हारी, गलत फहमी है तुम्हारी, गलत ना कभी सही नहीं होता। ठीक है मोमिन, मैं भी देखूंगी। आइए 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 इस तरह। माशाल्लाह ये है तुम्हारा घर? अरे नहीं ये तो आरजी वक्त के लिए है, जो असली वाला घर है वो मोमिन डिफेंस में बनवा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे और जल्द तुम्हें तुम्हारे घर लेके जाए। आमीन। अब ये सारी बातें तो होती रहेंगी, आप लोग अंदर चले फ्रेश हो जाए, खाने में बातें करते हैं।
खाना कैसा है? बहुत मजे का। ये जरा सैलेड देना मुझे। जी अजीज, जरा देखें, ये बिल्कुल वैसा ही डिनर सेट है ना जैसा हम दुबई में इस्तेमाल करते हैं। हाँ वाकई ये बिल्कुल वैसे ही है। कहाँ से लिया तुम लोगों ने? ये मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है मोमिन लेकर आए हैं, इंग्लैंड से। अच्छा, इंग्लैंड में कहाँ विजिट था मोमिन तुम्हारा? मेरा था वो, अब मैं बताता हूँ ना आपको, मैं खाना वाना खा लें आराम से, फिर चाय पर तफसील में बात करते हैं। अरे पानी ले ना। सबा, बेकार तुमने इतना तकल्लुफ किया। हम दो लोग क्या क्या खाएंगे, और वैसे भी हम लोग सादा खाना खाने के आदी हैं। अरे आप, ये तो रोजमर्रा की चीज है। कल मैं आपको इस शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन खाना बहुत लाजवाब है। असल में जब भी मैं नाराज होती हूँ ना तो मोमिन मुझे वहीं लेकर जाते हैं। अजीज देख लें, सीखें जरा आप आजकल के बच्चों से। अब आइंदा जब मैं नाराज हूँ ना तो आप भी मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट लेके जाइएगा। चलो आपके ये भी करके देख लेंगे। भाई मजा आया है बहुत अच्छा खाना था, मैंने तो जरूरत से ज्यादा ही खा लिया। वाकई में बहुत लजीज खाना था। किशोर मेरे ख्याल में बहुत थक गए हैं, अब इन लोगों को भी आराम करने दो, हम भी चलते हैं। हाँ बेटा ठीक है, चल आराम करो आप। गुड नाइट। पर आप पे मैंने कैसा इंप्रेशन जमाया है। बिल आया था 18,000 रुपए का, मैंने रखे 20,000 रुपए। कीश्वर आपा की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे उनको भी पता होना चाहिए ना, अगर वो दुबई में रहते हैं तो हम कराची में, हम भी उनसे कोई कम नहीं है, ना हम और ना हमारा कराची। सब तुम्हें कुछ पता है, कुछ अंदाजा है तुम क्या कर रही हो? नो लेक्चर, मैं खुश हूं और मैं खुश रहना चाहती हूं। सबा, भाईजान ये बॉस की कसूर खास तौर पे आपके लिए, दुबई के शेख इसका जुबा बनवाते हैं। मैंने ये सोचा हमारे भाईजान किसी शेख से कम थोड़ी है। शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छा है। और आपा आपके लिए सिल्क की साड़ी कैसी लगी आपको, देखें? अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी, आप हमारे घर पहली दफा आए हैं, आपको हम खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे, क्यों मोमिन? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे आप तो चले जाते। शुक्रिया बेटे, अल्लाह ताला तुम्हारे मियाँ की कमाई में बहुत बरकत दे। आमीन। तुम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुले हाथ और खुले दिल के मालिक हो। क्या हुआ? ऊंचाई से गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी दो जगह से फ्रैक्चर है। क्या? मेरा मुबीन ठीक तो हो जाएगा ना? सुबह वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है बस ऑपरेशन करना होगा। अभी 1,00,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा कराने हैं, मैं बस पैसे लेने आया। लेकिन 1,00,000 रुपए आएंगे कहां से? शायद इसी दिन के लिए सेव कर रहा था, पैसे लेकर आता। सबा
सभा, वो जो सेव मनी मैंने बॉक्स में रखी हुई थी बाप, पैसे नहीं है। मोमिन, वो मैंने जो है वो। झूठ मत बोलना। पढ़ा दिए ना अपने आशियों के चक्कर के अंदर वो पैसे। तो मेरा बच्चा अस्पताल में है, मैं क्या बाहर जाकर भीख मांगू कि बच्चा मर जाएगा मेरा, मुझे पैसे दे दे। परेशान नहीं, अल्लाह बहुत रहीम। सबा, परेशान नहीं हो बेटा, हमारी अभी 2 घंटे बाद लाहौर की फ्लाइट है, हम लोग जा रहे हैं। वो तुम्हारी पड़ोसन आई थी, अपना डिनर सेट और कुशन्स वगैरह वापस ले गई। तुम रखो, असल में हम लोग जल्दी जल्दी में आए थे ना, तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह लेके नहीं आ सके, तो ये तुम कुछ ले लेना। पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे, पता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। हम फिर मिलेंगे ना, सही है? हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है। उसमें दिखावा जा करती, आपको को सब कुछ पता चल गया, क्या इज्जत रह गई हमारी। खुदा तक जा यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए। समझाता था ना तुम्हें, कहता था दिखावे के पैर नहीं होते। इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए, है बराबर सारे इंसान, खुद खुदा ने है कहा बेबसों की